मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी की तैयारियां और इस बात का फेस्टिवल 7 दिसंबर से ही चल रहा है और इन दोनों की शादी 12 दिसंबर को हो भी चुकी है। ईशा अंबानी ने आनंद पीरामल के साथ शादी की और शादी के बाद के रिसेप्शन की अब कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें जो दिख रहा है उससे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। पहले तो सलमान खान को बैकग्राउंड डांसर बनना पड़ा था अंबानी जी की शादी में, और अब अमिताभ बच्चन और आमिर खान लोगों को उनकी शादी में ढोकला सर्व करते हुए नजर आए, यानी कि वो खाना सर्व करते हुए नजर आए अमिताभ बच्चन और आमिर खान ईशा अंबानी की शादी में, और वो ट्रेडिशनल फूड जो कि गुजराती ट्रेडिशनल फूड होता है ढोकला, उसको लोगों को सर्व कर रहे थे। इसके बाद इंटरनेट पर लोग काफ़ी ज़्यादा मज़े ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मज़ा आ गया, आखिर कोई तो है जिसके सामने ये सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी नहीं। और लोगों का तो ये भी कहना था कि हम तो चाहते हैं अंबानी जी के घर हर महीने एक फंक्शन हो और ऐसे ही पूरा बॉलीवुड उनके आगे पीछे घूमे, ऐसे ही पूरा बॉलीवुड हमको आम आदमियों की तरह दिखाई दे। इससे पहले कुछ महीनों पहले एक फ़ोटो वायरल हुआ था जिसमें बॉलीवुड के तमाम एक्टर्स अंबानी के घर में नीचे बैठे हुए थे उनकी बेटी की सगाई के दौरान। उस वक्त भी इंटरनेट पर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मज़े लिए थे उन फ़ोटोज़ को लेकर और कहा था कि भाई वाह मज़ा आ गया, आखिर ऐसा ही होता रहे। ये जो सेलिब्रिटीज़ अपने फैंस को इतना ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं बाहर, ये अपनी सही जगह आ ही गए, ऐसा कुछ लोगों का रिएक्शन था ये सब देख कर। खैर जो भी हो, हमको तो बस इतना पता है कि वो सब पैसों के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहे। अगर किसी को कोई खाना खिला रहा है तो ये उसका बड़प्पन है, ये उसकी छोटी बात नहीं है कि वो किसी की शादी में किसी को खाना खिला रहा है, ये एक बड़प्पन है। और सलमान खान को हम सभी जानते हैं, अगर उनका डांस करने का मन होता है तो वो बैकग्राउंड फ्रंट ग्राउंड वो कहीं भी डांस करने लगते हैं, वो ये नहीं देखते कि वो बैकग्राउंड डांसर बने हुए हैं या कुछ और। और जब वो जिनकी शादी में नाच रहे थे, अगर वो उस लड़की का भाई और वो लड़की डांस कर रहे हो तो जाहिर सी बात है सलमान खान बैकग्राउंड में ही डांसिंग करेंगे उनको सपोर्ट करने के लिए, और वही वो कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय श्री राम।